वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम मेजर प्रोजेक्ट देखने वाले। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम के नाम से एक मिनी प्रोजेक्ट अपलोड करा था, जो कि आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते। तो दोस्तों वो मिनी प्रोजेक्ट था और उसका जो मेजर प्रोजेक्ट है या फिर उसका मेजर जो वर्जन है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले। ये पूरा कंप्लीट ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर और जो पुराना वाला मिनी प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो मिनी प्रोजेक्ट था उसके अंदर फीचर्स कम थे और ये वाला जो मेजर प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो है तो फीचर्स ज़्यादा है, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिन लॉगिन का पेज है। सबसे पहला इसमें जो फीचर है वो है एडमिन एक्सेस का, ठीक है। तो ये एडमिन एक्सेस अभी क्या है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एडमिन का लॉगिन करना है, एडमिन का आईडी यहाँ पे डालना है और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एडमिन का लॉगिन कर दिया और उसके बाद में एक डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया और डैशबोर्ड के अंदर अलग अलग फंक्शंस है। तो अभी मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि ये फंक्शंस क्या है और कैसे काम करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है डैशबोर्ड के अंदर वो है कैंडिडेट्स का, ठीक है। यहाँ पे एडमिन जो है तो ये फॉर्म फिलअप करके नेम, पोजीशन, इमेज और यहाँ पे क्लिक करके कैंडिडेट्स ऐड कर सकता है। जो मिनी प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा था कि कोई भी आके एज अ ग्रुप या फिर एज अ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एडमिन को पहले एडमिन से अथॉरिटी लेना पड़ेगा। एडमिन यानी कि आप ऐसा समझो कि जो इलेक्शन की कमिटी है। तो अगर किसको ऐसा किसी खुद की पार्टी या फिर किसको ऐसा कैंडिडेट रजिस्टर करना है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे आके एडमिन से अथॉरिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिन यहाँ पे ऐड करेंगे, एडमिन के पास यहाँ पे एक्सेस है। तो अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड करके बताता हूँ। पोजीशन जैसा मैंने एमएलए ले लिया, यहाँ पर एक इमेज ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे एक टेबल आ गया, टेबल के अंदर हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैंडिडेट्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एडमिन यहाँ पे कैंडिडेट्स को ऐड कर सकता है। अगर बाय चांस किसी को यहाँ से रिमूव करना है तो ये रिमूव का बटन है यहाँ पे। अगर समझो ये वाला कैंडिडेट यहाँ पे से रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दिए और उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म किया हमने, तो आप देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से एडमिन के पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो कैंडिडेट्स ऐड कर सकता है, कैंडिडेट्स को रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा भी डैशबोर्ड में फंक्शन यहाँ पर ये है, राइट में आप देख सकते हैं कि एक कोड जनरेटर है, ये एक बटन है यहाँ पर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक यूनिक ओटीपी या फिर यूनिक कोड जनरेट होता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे कोड जनरेट हो गया। अभी ये कोड जनरेट क्यों करना है, इसका यूज़ क्या है। अगर कोई वोटर को रजिस्ट्रेशन करना है, ये तो हमने देख लिया कि कैंडिडेट कैसा ऐड होगा, कैंडिडेट को जो है तो एडमिन यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। बट अगर कोई वोटर है उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्टर हियर का लिंक है, इस पर हमने क्लिक करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पेज पे हम आ गए। तो सेम जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट था, तो मिनी प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही था कि एक फॉर्म था, उसको अगर हम फिलअप करके रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पर तो उसमें एक लूप होल या फिर ड्रॉबैक ये था कि कोई भी आके वोटर या फिर एज अ ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकता था, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी का उतना ज़्यादा केयर नहीं था, बट यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा केयर है। तो यहाँ पर मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक वोटर रजिस्टर करना है, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया नेम, उसका ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ मैंने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, कि डमी है कोई, डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया, पासवर्ड ले लिया, कंफर्म पासवर्ड ले लिया। यहाँ पे एक मैंने एड्रेस लिया, फॉर एग्जांपल मुंबई ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में एक यहाँ पर फील्ड है वेरीफिकेशन कोड, ठीक है। तो ये वेरीफिकेशन कोड हमको मिलता है एडमिन से, यहाँ पर जो एडमिन के पास जनरेटर है, कोड जनरेटर, तो एडमिन यहाँ से यूनिक कोड जनरेट करके देता है। जैसे कि अगर कोई वोटर है तो वोटर पहले एडमिन के पास विजिट करेंगे, एडमिन उसको पूरा वेरीफाई करेंगे, एडमिन चेक करेंगे कि ये
जो है तो इसके इलेक्शन प्रोसेस के लिए वेरीफाई होता है या नहीं, और उसके लिए ये जो है तो रेडी है या नहीं, वो पूरा जो है तो उसका एज फैक्टर, वो सब चीज़ें जो है तो पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। अगर वो सब जो है तो क्लासीफाई होता है वो अगर, ठीक है, तो उसके बाद जो है तो एडमिन यहाँ से उसको एक कोड जनरेट करके देंगे, तो वो कोड यूज़ करके ही रजिस्ट्रेशन वो कर सकता है। अगर हमने कोई और कोड डाल दिया जैसे कि ABCD कुछ और यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, तो यहाँ पे हमको ये दिखाता है वेरिफिकेशन कोड इज़ नॉट अवेलेबल, गेट वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेम वही कोड डालना है, और ये जो कोड है तो ये वन टाइम कोड है। जैसा हमने, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अभी हमने ये कोड को यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये वन टाइम कोड है, अभी ये डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, और ये वाला कोड यूज़ करके कोई और वोटर रजिस्टर अभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोड जनरेटर का ऐसा फंक्शन है, ठीक है, और दूसरे फंक्शंस भी यहाँ पे एडमिन के डैशबोर्ड में है, जैसे कि स्टार्ट वोटिंग का यहाँ पे एक बटन है। अगर एडमिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी, क्लिक ऑन स्टार्ट वोटिंग बटन टू स्टार्ट इलेक्शन प्रोसेस, और नीचे स्टॉप वोटिंग बटन टू स्टॉप इलेक्शन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप वोटिंग का बटन नहीं है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे हमको एक कोड डालना है, वेरीफाई करना है, तो इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ऑटोमेटिक ये जो स्टार्ट वोटिंग का बटन है तो ये स्टॉप वोटिंग बन जाएगा, रेड कलर में ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसा एक्सचेंज होगा। और उसके बाद में यहाँ पे ये रीसेट का बटन है, रीसेट पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ कंफर्म करते हैं तो पूरा सेटिंग रीसेट हो जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिले थे वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, और जो वोटर्स ने वोटिंग करे थे उनका स्टेटस भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी पूरा जो है तो सेटिंग जो है तो सिस्टम का, हमारे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम के जो पैनल का पूरा सेटिंग रीसेट हो जाएगा। एडिट टाइटल, यहाँ पे एक बटन है, तो ये एक टेक्स्ट है, ये जो होम पेज पे टेक्स्ट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है। तो अगर एडमिन को या इलेक्शन कमेटी को कोई नोटिस डालना है, जैसे कि ये डेट पे इलेक्शन है, ये उसका जो है तो क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे वो नोटिस पोस्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे, यहाँ से जो है तो वो एडिट कर सकता है और सेव कर सकता है, ठीक है। और ये चेंज लोगो, अगर हम यहाँ पे कोई इमेज लेते हैं तो यहाँ पे लोगो चेंज हो जाएगा, ये जो लोगो है ये होम पेज पे भी सेम लोगो है, तो उसके लिए ये जो है तो बटन है, ठीक है। उसके बाद में एक फीचर एडमिन डैशबोर्ड में ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में उसके जो रिजल्ट्स है तो वो एक्सेल शीट के अंदर जनरेट कर सकता है एडमिन। तो वो पूरा प्रोसेस कैसा होगा मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा एडमिन का यहाँ पे डैशबोर्ड, उसके अंदर ये फंक्शंस है। अभी हम देखेंगे कि हमने, जैसे कि अभी यहाँ पे एक हमने रजिस्ट्रेशन करे, तो एक और हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ दीपक ले लिया, ये मैंने ईमेल आईडी ले लिया, ये मोबाइल नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, एक मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एड्रेस फॉर एग्जांपल मुंबई ले लिया, और वेरिफिकेशन कोड अभी हमको यहाँ पे एडमिन से लेना है, ठीक है। तो अभी हम एक और यहाँ पे कोड जनरेट करेंगे, या मैंने कोड यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। तो ये बता रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी टेकन, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मोबाइल नंबर से हम एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे मोबाइल नंबर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। और अभी हम ये होम पेज पे आ गए, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको लॉगिन करना है, अभी हम एज अ वोटर लॉगिन करेंगे। तो ये मेरा मोबाइल नंबर था और ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये वोटर का डैशबोर्ड है, ठीक है, ये एडमिन का डैशबोर्ड है, इसके अंदर इतने फंक्शंस है, और ये वाला जो है वोटर का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है कि लेफ्ट में जो है तो हमारा पूरा प्रोफाइल का डेटा है, नाम, इमेज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, और ये वोटिंग का स्टेटस है, तो ये अभी दिखा रहा है नॉट वोटेड, ठीक है। और राइट में यहाँ पे जो है तो कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जिनको हमको वोटिंग करना है। तो अभी फिलहाल यहाँ दिखा रहा नो डेटा अवेलेबल, ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा क्योंकि अभी इलेक्शन प्रोसेस यहाँ से एडमिन ने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। जब एडमिन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इलेक्शन का प्रोसेस तो उसके बाद में जो है तो वहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्ट वोटिंग पे, एक वेरिफिकेशन कोड का पॉपअप आया, मैंने यहाँ पे कोड डाला, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया,
यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो चले गए, और यहाँ पे वोटिंग स्टेटस बोल के जो है तो हमको एक रेशियो दिख रहा। तो अभी ये कैसा दिखेगा कि टोटल हमारे वोटर जो है तो वो 2 है, 2 हमारे टोटल वोटर्स है, और उसमें से अभी एक ने भी वोट नहीं दिया, ठीक है। तो जितने टोटल है उसमें से आउट ऑफ कितनों ने वोट दिया वो यहाँ पे स्टेटस दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे रिमेनिंग वोट्स का एक यहाँ पे हमको टेबल मिलता है एडमिन के डैशबोर्ड में, यानी जो लोगों ने अभी तक वोटिंग नहीं करे तो एडमिन उनका जो है तो मोबाइल नंबर और उनका नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो एडमिन यहाँ से यानी इलेक्शन के जो कमिटी है यहाँ से उनको कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो इसलिए वोट दे दीजिए बोल के, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा अभी वोटर का डैशबोर्ड है। तो अभी हम यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स है उनका लिस्ट हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे उनका ऊपर पोजीशन है एमएलए, नीचे नाम है, राइट में जो है तो उनका सिंबल या फिर इमेज है, और इसके आगे यहाँ पे वोटिंग के बटन्स है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग के बटन्स जो है तो अभी काम नहीं कर रहे, ये डिसेबल है, ठीक है। तो ये कब इनेबल होंगे? अभी यहाँ पे नीचे एक और फीचर है ईमेल वेरिफिकेशन का। ये जो मेजर प्रोजेक्ट है हमने इसमें ईमेल वेरिफिकेशन का फीचर लगाया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। ये इसलिए हमने लगाया कि बाय चांस अगर मेरा यानी कि शहबाज का अगर कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर चोरी कर लेता है तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरा जो वोट है तो वो वाला बंदा जिसने मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड चोरी कर लिया वो मेरा वोट दे सकता है, ठीक है। इसके वजह से जो है तो सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर बाय चांस किसी ने मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड चुरा भी लिया तो लॉगिन करने के बाद वो जो है तो मेरा वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसको यहाँ पे पहले ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद हमारे ये जो बटन है ये अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे गेट कोड का बटन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक यूनिक कोड जो है तो हमारे सिस्टम से जनरेट होके हमारे ईमेल आईडी पे जाएगा, जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर हमारे एक कोड जाएगा, फिर वो कोड हमको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट कोड पे, तो ये कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे लोडिंग होगा और उसके बाद जो है तो हमारे ईमेल आईडी पे कोड जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक यूनिक कोड जो है तो अभी आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमको यूके पठान नाम की ईमेल आईडी से एक हमको ऑनलाइन वोटिंग का एक वेरिफिकेशन कोड आ गया, ठीक है, उसका मैसेज आ गया। तो ये कोड हमको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, ये कोड हमको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। अगर इसके अलावा हमने कोई और कोड डाला जैसे कि ये कोई और, तो ये रॉन्ग होता है, ठीक है, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो हमको सेम कोड डालना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये जो कोड है तो ये वाला भी कोड वन टाइम यूज़ है, कोई और बंदा इसको डबल डबल यूज़ नहीं कर सकता है। एक बार हमने यहाँ पे इसको डाला, वेरीफाई किया, तो ये मैसेज आ गया यू आर वेरीफाइड फॉर वोटिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यू आर वेरीफाइड आ गया और ये बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो अभी हमने ये कोड जो है यूज़ कर लिया और ये डबल से अभी ये कोड यूज़ नहीं कर सकता है कोई, डेटाबेस से ये कोड हमारे डिलीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे वोटिंग के लिए मेरे पास बटन्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो जैसे अभी और अभी हमको यहाँ पे वोटिंग करना है, तो सेम प्रोसेस है जैसा मिनी प्रोजेक्ट में था। यहाँ पे वोटिंग पे हमको बटन पे क्लिक करना है, कन्फर्म करना है, उसके बाद में हमको एक मैसेज मिलेगा थैंक यू का, और उसके बाद में जो है हमारा वोटिंग स्टेटस यहाँ पे जो है तो अपडेट हो जाएगा वोटेड बोल के। मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बटन है वो डिसेबल हो गए, यानी मैं अब डबल से वोट भी नहीं दे सकता और मेरा स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो एडमिन का जो पैनल है अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 था पहले, अभी यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि एक जो है तो वोटर ने यहाँ पे वोटिंग कर दिया है और एक जो है तो वोटर अभी बाकी है दीपक नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 2-1 वोटिंग हो गई, तो अभी हमको जो है तो दीपक का भी वोटिंग यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे और दीपक का यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ लिया है और ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दीपक यहाँ पे नाम आ गया, ये उसका यहाँ पे लेफ्ट में प्रोफाइल का डाटा आ गया और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो अभी हमको इसके लिए भी जो है तो ईमेल वेरिफिकेशन करना है, तो मैं यहाँ पे गेट कोड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिया हूँ, तो यहाँ पे कुछ सेकेंड्स में अभी हमको जैसे ये लोड होता है तो यहाँ पे हमको एक कोड मिलेगा, ठीक है, मेल पर। तो यहाँ पे हमको आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन वोटिंग का वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ गया, तो ये कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, मैंने कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
और यहाँ पे मैंने जो है तो वेरीफाई कर दिया, ठीक है, सॉरी ये दिखा रहा है इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है शायद। हाँ, हमने एक्चुअली ये वो कोड कॉपी कर लिया, जबकि ये वाला कोड हमारा, ये वाला कोड है, ठीक है, ये हमारे आईडी पे आया है। तो आपने अभी देखा कि हमने जो पुराना वाला कोड था वो डाला तो उन्हें यहाँ पे नहीं लिया, तो ये वन टाइम यूज़ है, तो मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया, ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे वोटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि चूज़ करूँगा, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैंने वोट कर दिया, ठीक है, ये कंफर्म कर दिया मैंने, यहाँ पे वोटिंग हो गया, सेम ये बटन डिसेबल हो गया, स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अभी हमको एडमिन पैनल के अंदर चेक करना है वोटिंग प्रोसेस कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अभी मैं वापस से एडमिन पैनल में लॉग इन करूँगा। ये मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस में चेंज आ गया, ये आउट ऑफ टू टू वोट्स हो गए, यहाँ पे दो टोटल मेंबर्स थे हमारे वोटिंग के, उन्होंने दोनों ने वोटिंग कर दिया, तो यहाँ पे मैसेज आ गया 100% वोटिंग इज डन, नाउ गेट द रिजल्ट्स एंड स्टॉप द प्रोसेस। तो यहाँ पे गेट रिजल्ट्स का एक बटन, मैंने आपको बोला था कि एडमिन के पास जो है तो एक्सेल शीट जनरेट करने का एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे वोटिंग को स्टॉप करने के लिए हम ये बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो पहले अभी मैं बताता हूँ आपको रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक करा, तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो अभी हम ये एक्सेल शीट ओपन करके यहाँ पे इसमें डेटा कैसे शो करता है मैं आपको बताऊँगा। ये हमको एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में हमको यहाँ पे डेटा मिल गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेम, पोजीशन और वोट्स डिस्प्ले होंगे, तो यहाँ पे किस किसको कितने वोट्स मिले, जैसे शहबाज है, शहबाज को 2 वोट्स मिले, बाकी लोगों को 1 भी वोट नहीं मिला, और ये दिखेगा फिर नीचे टोटल वोट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितनी हुई, सबका मिला के टोटल वोट्स कितने मिले, और नीचे जो है तो विनर कौन है, उसका नाम आएगा, विनर इज शहबाज, और उसके वोट्स यहाँ पे आएंगे, उसको कितने वोट्स मिले, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके इस टाइप से जो है तो एक्सेल शीट यहाँ पे जनरेट होगा एडमिन के पास, ठीक है। तो एडमिन यहाँ पे अभी ये प्रोसेस को ये बटन पे क्लिक करके स्टॉप कर सकता है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, यहाँ पे वेरीफाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वोटिंग प्रोसेस हैज़ बिन ओवर, और उसके बाद में भी जो है तो ये रिजल्ट्स का यहाँ पे बटन आता है। अगर इन केस क्या होता है कि अगर टाइम ख़त्म हो गया, तो एडमिन जो है तो स्टॉप करके प्रोसेस को रुका सकता है, और उतने ही जितने टाइम में जितना जो है तो वोटिंग हुआ उसका रिजल्ट्स यहाँ से ले सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये एडमिन में क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे वो फंक्शन करते हैं। अभी हमने वोटिंग का पूरा प्रोसेस भी कर लिया, ठीक है, और वोटर का लॉगिन करके भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको पूरा सेटिंग रीसेट करना है, ठीक है, फिर मैंने रीसेट पे क्लिक करा, कंफर्म करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग रीसेट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, और यहाँ पे नीचे कैंडिडेट्स आ गए। आपने देखा होगा कि पहले जब हम वोटिंग का प्रोसेस चालू था, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि वोटिंग के प्रोसेस के बीच में हम कोई कैंडिडेट को रिमूव नहीं कर सकते, कोई नया कैंडिडेट ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो फंक्शन यहाँ पे रखा है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो गया। अभी हम अगर लॉगिन करके ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अगर लॉगिन किया, तो ये लॉगिन का देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टेटस भी चेंज हो गया, सब चीज़ें पूरा रिसेट हो गया, ठीक है। अभी एक लास्ट में एक और फीचर हमने इसमें ऐड किया है, फॉरगेट पासवर्ड का, तो ये वाला फीचर भी जो है तो ईमेल वेरिफिकेशन पे बेस्ड है। हमको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप करना है, जैसे कि मेरा ये ईमेल आईडी है, मेरे को पासवर्ड चेंज करना है, तो इसको हम वेरीफाई यहाँ पे करेंगे, तो सेम वेरीफिकेशन का एक कोड हमको यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी पे यहाँ पे मिलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कोड वापस से मिलेगा, वो कोड हमको डालना है, और वो कोड डाल के जो है तो हमारा न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई कोड आया नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया वेरीफिकेशन कोड इज सेंड टू मेल, यहाँ पे नीचे आ गया, ये कोड हमको यहाँ से लेना है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरे को न्यू पासवर्ड लेना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू एक पासवर्ड सेट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो मेरे को मैसेज आ गया पासवर्ड चेंज, ठीक है। अभी मैं सेम न्यू पासवर्ड यूज़ करके मेरा लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने न्यू पासवर्ड यूज़ करा, सॉरी ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है, सॉरी। तो
बाई चांस कुछ तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे भूल गया शायद मैं पासवर्ड, ऑफिस से हम पासवर्ड का वेरिफिकेशन करेंगे कि मैंने ईमेल आईडी लिया, इस पर वेरीफाई मैंने करा, और ये वाला जो कोड है ये कोड भी वन टाइम यूज़ है, ठीक है। अभी वापस से हमको यहाँ पे कोड मिलेगा। एक्चुअली मैंने जो अभी न्यू पासवर्ड सेट करा था वो अभी मैं जस्ट कंफ्यूज हो गया, भूल गया मैं, तो ये एक हमको न्यू कोड वापस से यहाँ पे आ गया, तो ये हमने इसको यहाँ से कॉपी करे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी सेम पासवर्ड को हम जो है तो यूज़ करके, न्यू पासवर्ड को यूज़ करके अभी हम जो है तो हमारा लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड चेंज किया था और मैंने वापस से जो है तो लॉगिन कर दिया, तो ये हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है तो हमारा पूरा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का मेजर वर्जन है, मेजर प्रोजेक्ट है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों एक न्यू आपके लिए नई एक न्यूज़ है कि मैंने अभी अभी एक वेबसाइट लॉन्च किया हूँ simpleprojects.in नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो आप जाके वो वेबसाइट को चेकआउट करें। हमारे जितने भी अब प्रोजेक्ट्स आएंगे आगे, तो वो प्रोजेक्ट्स जो है तो आप वेबसाइट पे जाके उसका चेकआउट कर सकते हैं। उस पर वेबसाइट पे उसका पूरा डिटेल रहेगा कि प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड किसमें डेवलप किया है, बैक एंड किसमें डेवलप किया है, डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, फिर उसको सेटअप कैसे करना है, ठीक है। उसका कॉस्टिंग भी आपको उसमें मिल जाएगा। और एक और नई गुड न्यूज़ ये है कि जो मैंने इससे पहले एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का और भी एक सिंपल वर्जन मैंने बनाया था, जिसका मैंने ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाया था, टोटल 8 पार्ट्स के अंदर मैंने उसका ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाया था। वो सिंपल प्रोजेक्ट था, वो इससे भी सिंपल है। तो वो जो वेबसाइट है जो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके वो वाला जो प्रोजेक्ट है, अभी ऊपर आई बटन पे आप वो देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है जाके, तो वो वाला जो प्रोजेक्ट है तो उसका सोर्स कोड आपको फ्रीली उस पर अवेलेबल है। आपको वेबसाइट पे मैंने नीचे लिंक दिया हूँ, विजिट करना है, वहाँ पे जाके आप फ्रीली उसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स कोड कम्प्लीटली फ्री है, और जो प्रोजेक्ट्स पेड है उसका प्राइस उसके ऊपर मैंशनड है, ठीक है। सो प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए, और मेरे को मेल करके बताइए या फिर कमेंट करके बताइए कि वेबसाइट आपको कैसा लगा। उसके ऊपर फ्री जो प्रोजेक्ट है आप जाके डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद उसको सेटअप कैसे करना है, तो उसके जो पेज है उसके ऊपर पूरा इंस्ट्रक्शंस मैंने दिया हूँ कि उसको सेटअप कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा आपको पसंद आया होगा प्रोसीजर। सो आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।